आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लॉकडाउन के चलते गंगा दशहरा सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। आगरा कैंट अटल चौक पर गंगा दशहरे के मौके पर शरबत का वितरण किया गया, जिसका आनंद रेल यात्रियों ने भी लिया। गंगा दशहरे का पौराणिक महत्व है। जेठ मास में गंगा दशहरा पड़ता है, जिस समय आसमान से आग बरसती है उसी दौरान गंगा दशहरा पड़ता है। प्राचीन काल से गंगा दशहरा लोग मनाते हैं। गंगा दशहरे पर लोग दान पुण्य करते हैं, नदी में स्नान करते हैं और शरबत या फल का वितरण भी किया जाता है। लॉकडाउन के चलते सादगीपूर्ण तरीके से गंगा दशहरा मनाया गया। कुछ स्थानों पर लोग शरबत बांटते दिखाई दिए। आगरा कैंट अटल चौक पर भी गंगा दशहरा मनाया गया। गंगा दशहरे के मौके पर शरबत का वितरण किया गया, जिसका आनंद रेल यात्रियों ने भी लिया। मीठे और ठंडे जल की एक प्याऊ लगाई गई। ऐसा माना जाता है पौराणिक व्यवस्था के अनुसार कि भरी दोपहरी में, जेठ मास की भरी दोपहरी में अगर किसी व्यक्ति को आप एक घूंट पानी पिला दें तो एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। उसे सामने रखते हुए तपती दोपहरी में आज लोगों के कंठ को शीतल करने के लिए अटल चौक सेवा समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज आगरा कैंट स्थित अटल चौक पर अटल चौक सेवा समिति के द्वारा एक ठंडे शरबत का आयोजन किया गया, वितरण का आयोजन किया गया। ये इसमें पौराणिक मान्यता के आधार पर आज के दिन भगवान भागीरथी जो पृथ्वी के दिन लेके आए जमीन पर गंगा जी को, तो इसी आधार पर आज का दिन बहुत ही पुण्य दिन माना जाता है। आज के दिन बहुत सारे पुण्य काम जैसे वस्त्र दिए जाते हैं, गरीबों को बांटे जाते हैं, जल दिया जाता है, अन्न दिया जाता है, इसी तरह से आज हमने यहाँ पर शरबत का वितरण किया। आज अटल चौक आगरा कैंट पर हम सभी समिति के पदाधिकारी और साथीगणों ने शरबत वितरण किया। आज गंगा दशहरा है, आज के दिन बहुत से लोग बहुत पुण्य करते हैं और ये जेठ मास का माह होता है, इसमें मतलब पानी पीने की आवश्यकता भी होती है, इसी को मद्देनजर हम लोगों ने यहाँ पर आज शरबत वितरण किया। कार्यक्रम का आयोजन अटल चौक पर अटल चौक सेवा समिति द्वारा किया गया था। आम दिनों में समूचे आगरा में जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कोरोना संकट काल के चलते लगे लॉकडाउन के कारण तमाम धार्मिक आयोजन सिमट कर रह गए हैं। राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज, आगरा।